हेलो, मैं हूं नवीन पुरवाल, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं नाउन के बारे में। इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप नाउन को लेकर कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, क्वेरीज है, सो यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, सो योर ऑल डाउट्स विल बी क्लियर। सो लेट्स बिगिन विद द नाउन। जिसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, उसे इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन में परिभाषा, यहाँ सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी है। एनी नेम इन द वर्ल्ड मीन्स किसी का भी जो नाम है स्पेसिफिक, वो नाउन के अंदर आता है। इसकी परिभाषा में ऐसा भी होता है, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। और वी कैन कॉमनली से दैट किसी का भी जो नाम है वो इसके अंदर आता है। यहाँ पर मेनली वैसे तो दो नाउन गिने जाते हैं। ज्यादातर जगह आपको सिर्फ दो ही नाउन पढ़ने को मिलेंगे, फर्स्ट इज द प्रॉपर नाउन एंड सेकंड इज अ कॉमन नाउन। बट इफ यू वांट टू लर्न इन द डिटेल, सो देर आर सम अदर नाउन्स एज वेल, सो आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन रिलेटेड दैट एज वेल। सो लेट्स बिगिन विद द प्रॉपर नाउन। जैसा किसी का स्पेसिफिक नाम है, किसी का उचित नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। इसकी डेफिनेशन में हम देख रहे हैं पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी स्पेसिफिक नाम है तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। और इसके एग्जांपल में हमने लिया है जैसे राम और सीता, तो ये स्पेसिफिक नाम है। दिल्ली या मुंबई, तो ये भी एक सिटी का स्पेसिफिक नाम हुआ। देन संडे कोई डे का स्पेसिफिक नेम है, एंड जनवरी ये एक मंथ का स्पेसिफिक नेम है। तो प्रॉपर नाउन के अंदर हम देखते हैं कि कोई स्पेसिफिक नाम होता है किसी का, तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। और ये जब भी सेंटेंस में लिखा जाता है तो आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि ये कैपिटल फॉर्म में लिखा जाएगा सेंटेंस में। देन सेकंड इज अ कॉमन नाउन, माने किसी का भी आम साधारण नाम, जनरल नेम ऑफ एनीथिंग। तो राम किसी का स्पेसिफिक नाम है, लेकिन बॉय किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं है, सो दिस इज अ कॉमन नाउन। देन गर्ल कॉमन नाउन, सिटी, विलेज, देन डे एंड मंथ। बाय दिस एग्जांपल आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये जो भी एग्जांपल है ये किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं है, ये कॉमन नाउन है। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता अमूर्त या काल्पनिक, जिसे हम ना तो टच कर सकते हैं ना स्मेल कर सकते हैं, इसे हम ना छू सकते हैं और ना हम उसे स्मेल कर सकते हैं, लेकिन हम फील जरूर कर सकते हैं, ये आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसके उदाहरण में हमने लिया है लव, सक्सेस, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, ट्रुथ एंड लाइफ। दीज आर थिंग्स विच यू कैन नॉट टच बट यू कैन फील इट, सो दैट इज कमिंग इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नेक्स्ट इज अ कॉन्क्रीट नाउन, जिसे कॉन्क्रीट को हिंदी में हम कहेंगे ठोस, जिसे साकार रूप में आप देख सकते हैं, आप उसे टच कर सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आता है। इसके एग्जांपल में हमने लिया है कैट और डॉग, जिसे आप छू भी सकते हैं, कॉफी और टी, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, रेन और स्नो, जिसे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सो दैट इज कमिंग इन द कॉन्क्रीट नाउन। देन नेक्स्ट इज अ मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन के अंदर ऐसा होगा कि जिससे आप कुछ बना सकते हैं, इसकी परिभाषा में हमने लिया है सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे कुछ बनता हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है ब्रास और कॉपर, ब्रास मीन्स पीतल या कॉपर मीन्स तांबा, जिससे कुछ बर्तन बनाए जाते हैं, या सिल्वर और गोल्ड, जिससे कुछ आभूषण ज्वेलरी बनाई जाती है, या कॉटन, तो ये मटीरियल नाउन के अंदर आते हैं। द नेक्स्ट इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को लेकर कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो पहले तो ये समझिए कि ये परिभाषा है ग्रुप ऑफ पीपल एंड थिंग्स। कोई भी यदि व्यक्तियों का या वस्तुओं का ग्रुप है तो वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, क्राउड में कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, बहुत सारे व्यक्ति हैं, या फैमिली है, टीम है, या गवर्नमेंट है, ये सारे सिंगुलर नाउन के अंदर आते हैं और इसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। देन नेक्स्ट आ रहा है कंपाउंड नाउन। ये होगा, कंपाउंड का मतलब होता है किसी चीज से जुड़ा हुआ। जैसे इसकी परिभाषा में हमने लिखा है टू और मोर वर्ड्स दैट क्रिएट वन नाउन,
दो या दो से ज्यादा शब्द जो मिलने पर एक पर्टिकुलर नाउन बनता है उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं टूथपेस्ट या टूथब्रश, पोस्ट ऑफिस या पोस्टमैन, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, वो सारे कंपाउंड नाउन के अंदर आएंगे। लास्ट में दो हमारे पास है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं दैट कैन बी काउंटेड, एंड अनकाउंटेबल दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो बुक, वॉच और बाइक, इसको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। लेकिन जहां पर बात आ रही है अनकाउंटेबल नाउन, जैसे सैंड मिट्टी है या हवा है या जंग कबाड़ है, तो उसे हम गिन नहीं सकते, तो ये आता है अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। तो ये सारे नाउन्स जो है जब आप अच्छे से जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बेसिक गड़बड़े होना दूर होगी। और कई बार हमें देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं और कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि क्राउड है जिसमें बहुत सारे लोग हैं तो उसके साथ इज आएगा या आर आएगा, या फैमिली है तो कोई एक व्यक्ति से फैमिली नहीं बनती है, फैमिली में बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं, तो वो सारा बहुवचन मतलब प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। जनरली ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर फैमिली के साथ इज लगाया जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में हम इसके साथ देखते हैं कि आर, तो कहीं आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं आर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेनली यू कैन कंसिडर दैट इट इज अ यूनिट, सो मोस्टली वी कैन यूज इज विद द फैमिली। सो दीज आर द ऑल नाउन्स by which you can learn and you can use in your daily life। ये वीडियो हम खास तौर पे सभी लोगों को डेडिकेट करना चाहते हैं जो घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आप इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए अगर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें ताकि वो सभी लोग जो वास्तव में सीखना चाहते हैं कहीं ना कहीं उनकी भी मदद हो सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।